हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आई पढ़ाई। कैसे हो आप सब लोग? देखो, अभी तक हम लोगों ने जो मोशन की इक्वेशंस होती है वो समझी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने पिछला सेशन नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग नेक्स्ट आज के क्वेश्चन से पहले कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ रिएक्शन टाइम। देखो, रिएक्शन टाइम मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे हमने पढ़ा है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये वही वाला रिएक्शन है, ये केमिस्ट्री का रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। रिएक्शन टाइम होता है कि हम किसी भी इवेंट के अगेंस्ट क्या रिएक्ट कर रहे हैं। लाइक आपकी तरफ अगर किसी ने एकदम से बॉल थ्रो की, हाँ, जैसे मान लो ये आपका फ्रेंड है, ये आप हो, अब दोनों खड़े हैं और आपके फ्रेंड के हाथ में एक बॉल है। अब अचानक से बातें करते करते उसने आपकी तरफ एक बॉल थ्रो कर दी। जैसे ही उसने बॉल थ्रो की, इस बॉल को यहाँ तक आने में कुछ 2 सेकंड लगते हैं मान लो। अब क्या होगा, आप देखोगे कि भाई मेरी तरफ इसने बॉल थ्रो की है जो मेरे फेस की तरफ आ रही है, मेरे मुंह की तरफ आ रही है, और अगर मैंने इसको ना बचा, मैं इससे ना बचा, तो शायद मेरी नाक पे आके वो लगेगी ज़ोर से, तो नाक टूट जाएगी। ये सारे ख्याल आपके मन में आएंगे इंस्टेंटली, बहुत जल्दी जल्दी ये सब होगा, जितना मैंने बोला है उससे कई गुना फास्ट। और इसी सीक्वेंस में अचानक से आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि भाई अपना हाथ आगे करो और इस बॉल को पकड़ लो, या फिर आपके मन से दूसरी आवाज़ आएगी, जल्दी से नीचे झुक जाओ और अपने आप को बचा लो। और ये जो आवाज़ आएगी ना, ये आवाज़ आने तक का जो टाइम है और इसके अगेंस्ट आपने जो रिएक्ट किया होगा, मतलब नीचे झुक गए, बॉल को पकड़ लिया, ये सब चीज़ें होने में जो टाइम लगा है ना, इस टाइम को ही रिएक्शन टाइम बोलते हैं। हर इंसान का, हर पर्सन का रिएक्शन टाइम वेरी करता है। जनरली जो एथलीट्स होते हैं, जो एक अच्छे प्लेयर्स होते हैं, उनका रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा होता है, वो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर पाते हैं। जो बहुत लेज़ी टाइप के इंसान होते हैं, उनके रिएक्शन टाइम्स थोड़े से कम होते हैं, मतलब उनको थोड़ा टाइम लगता है रिएक्ट करने में। तो बेसिकली रिएक्शन टाइम इट इज़ टाइम टू रिएक्ट फॉर एनी इवेंट। किसी भी इवेंट को रिएक्ट करने में जो टाइम लगे वो रिएक्शन टाइम है। और ये रिएक्शन टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, तो देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये गिवन होगा हमें, या फिर न्यूमेरिकल में कुछ डेटा इससे रिलेटेड गिवन होगा जिससे हम निकाल पाए। तो रिएक्शन टाइम को कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है। जनरली रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड इस रेंज का होता है। हम 1 सेकंड के अंदर अंदर रिएक्ट कर ही जाते हैं, या कुछ लोगों का हो सकता है 1 सेकंड से ज़्यादा हो, कुछ लेज़ी टाइप के लोगों का, कुछ अच्छे लोग जो बहुत एथलीट टाइप के होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं, उन लोगों को बहुत कम टाइम लगता है रिएक्ट करने में। तो रिएक्शन टाइम वो टाइम है जिसमें किसी भी ऑब्जर्वर ने कुछ किया नहीं है, बस वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, और जैसे ही वो रिएक्शन टाइम ख़त्म होगा वो इंस्टेंटली रिएक्ट कर जाएगा और फिर वो अपना कुछ एक्शन करेगा। तो ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम देयर इज़ नो एक्शन, है ना। ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम देयर इज नो एक्शन बाय ऑब्जर्वर। किसी भी ऑब्जर्वर का कोई एक्शन होता ही नहीं है इस ड्यूरेशन में, ऑब्जर्वर बस सोचता है कि अब मुझे क्या करना है। तो ये हो गया मेन कॉन्सेप्ट। अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूम अ कार इज एबल टू स्टॉप विद रिटार्डेशन दिस, मतलब कार का रिटार्डेशन दे रखा है ना। इसको हाईलाइट करते जाते हैं जो जो गिवन डेटा है। ड्राइवर कैन रिएक्ट इन एमरजेंसी इन दिस टाइम। देखो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड है, मतलब
एक अच्छा फुर्तीला ड्राइवर है जो 0.5 सेकंड में समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है। अचानक से इमरजेंसी टाइम, मतलब अचानक से मान लो कार के आगे कुछ आ जाता है, अचानक से सामने कोई साइकिल आ जाए, अचानक से कोई जानवर आ जाए, तो हमें ब्रेक तुरंत लगाने होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ड्राइवर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए सोचता है मैं क्या करूँ, फिर अचानक से उसके मन से आवाज़ आती है भाई तुरंत ब्रेक लगाओ। तो ये वाली कंडीशन, तो हमें बताना है टोटल ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार इफ़ इट इज़ मूविंग विद दिस स्पीड। बहुत ही सिंपल सी बात हो गई है कि एक कार चल रही है और हमें बताना है कि वो रुकने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो देखो, लेट अस सपोज दिस कार इज़ मूविंग विद, हैज़ गिवन मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर, एंड रिएक्शन टाइम डेल्टा टी, जिस टाइम पे ड्राइवर कुछ नहीं कर पाएगा और कार चलती ही रहेगी, वो 0.5 सेकंड है। और उसके बाद रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन को माइनस साइन से लिख देते हैं, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और देन फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। ये सब चीज़ें हमें गिवन है। तो देखो, पहले तो हम ये देखते हैं कि ड्राइवर ने कार को कितनी देर कितनी स्पीड से चलने दिया। तो स्पीड हमें दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर और इसकी जगह 3600 सेकंड्स, ये हटाओ। अब दो जीरोस से दो जीरोस कैंसिल कर देते हैं, 6 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, तो इट इज़ 100/6 या 50/3 मीटर पर सेकंड। अब ये स्पीड से 0.5 सेकंड तक ये कार चलती रहेगी, क्योंकि ड्राइवर सोच रहा है उस टाइम पे। तो डिस्टेंस इज़ v × t, यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी, 50/3 × 0.5, दैट इज़ 25/3 मीटर। ठीक है, इतनी डिस्टेंस तो ये चल गई कार। अब क्या होगा, v² - u² = 2as। अब हमने ब्रेक लगा दिया, अब हम काइनेमेटिक्स यूज़ करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो फाइनल स्पीड तो इसकी 0 हो जाएगी, इनिशियल स्पीड हमने देखा 50/3 से चल रही थी कार, और एक्सेलरेशन है -8 × s, तो 2500/9 विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू -16s। तो s हो गया हमारे पास 2500 / 16 × 9। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस इज, ब्रेक लगाने के बाद तो वो चला 2500/16 × 9 प्लस 25/3, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। मतलब अगर ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 0 होता तो वो सिर्फ 2500/16 × 9 डिस्टेंस पे रुक जाता है, लेकिन ड्राइवर ने कुछ टाइम सोचने में लगा दिया, जिसकी वजह से कार 25/3 मीटर एक्स्ट्रा चल गई। तो ये रिएक्शन टाइम की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, दो बसेस हैं ए एंड बी, दे आर एट पोजीशन 50 and 100 meters फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 0। दे स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली विद यूनिफॉर्म स्पीड, डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच ए ओवरटेक्स बी। देखो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, मान लेते हैं कि x = 0 है, यहाँ से 50 meters आगे ए बस है, यहाँ पे ए बस, इसको x = 50, फिर इसके भी आगे यहाँ पर x = 100 पे बस बी है, दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। ए 10 meters per second से चल रहा है और बी 5 meters per second से चल रहा है,
और कुछ दूरी पे जाने के बाद ये ए और बी यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि देखो क्या है ना, ए फास्टर है, पीछे वाला तेज चला रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, तो हमें वो टाइम और पोजीशन बतानी है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ए ने टी टाइम तक कार चलाई या बस चलाई, तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इट इज़ स्पीड इनटू टाइम। अब उतनी ही देर में, क्योंकि दोनों एक साथ चले हैं ना, उतनी ही देर में बी भी अपनी कार को लेके यहाँ पर पहुँचेगा। तो बी की स्पीड है 5 × t, टाइम सेम है क्योंकि दोनों एक साथ चले, एक साथ मिले। अब ये दूरी इन दोनों के बीच की है 50 मीटर। तो अब मैं इनमें रिलेशन निकाल सकता हूँ। रिलेशन क्या है कि d1 = 50 + d2, तो क्या बना, 10t = 50 + 5t, तो 5t हो गया 50, तो t हो गया 10 10 सेकेंड। बहुत ही सिंपल सी बात है कि 10 सेकेंड के बाद ए जो है वो बी को ओवरटेक करेगा। और पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन के लिए देखो d2 निकाल लेते हैं। नाउ d2 = 5 × 10 50 मीटर, मतलब x = 100 से 50 मीटर, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 100 + 50, दैट इज 150। तो 150 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। एट आफ्टर t = 10 सेकेंड, मतलब इतनी पोजीशन पे 10 सेकेंड के बाद वो उसको ओवरटेक कर लेगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस एट द सेम टाइम कार ट्रैवलिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ओवरटेक्स द बस एंड पासेस द बस। चलो देखो, यहाँ पर भी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर एक बस है, यहाँ एक कार है, ये दोनों स्टार्ट करते हैं, ये इनिशियल स्पीड 0 से, एक्सेलरेशन 5 m/s से स्टार्ट किया, और कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब 50 m/s की स्पीड से चलते हुए आगे चली गई। अब देखो इंस्टेंट पे जब ये यहाँ पर है, ये तो बस तो स्टार्ट ही हुई है, वो तो स्लो है ना, जबकि कार तो 50 की स्पीड पे, तो कार आगे निकल जाएगी। अब पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार। अब कुछ देर के बाद क्या होगा, बस लगातार अपनी स्पीड बढ़ाते 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 कार को फिर से ओवरटेक करेगी। तो कुछ देर के बाद जब कार यहाँ होगी तो बस यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो टी टाइम में वो क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसके डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं ut + 1/2 at² जबकि कार की डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं उसकी स्पीड इनटू टाइम, और दोनों इक्वेट कर देंगे। देखो कार का हो जाएगा 15 × t = 0 × t + 1/2 5 × t². तो ये हो गया 100 t - 5 t² = 0, तो t = हो गया 20 सेकेंड। बहुत ही सिंपल सी बात है कि 20 सेकेंड के बाद बस इसको ओवरटेक कर जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकेंड पार्ट कि बस की इस टाइम पे स्पीड क्या होगी, तो v = u + at, क्योंकि बस का मोशन यूनिफॉर्म है, तो 0 + 5 × 20 विच इज़ 100 m/s, बहुत ज़्यादा स्पीड पे आ चुकी होगी बस।
क्योंकि वो तो लगातार एक्सेलरेट कर रही है, कार तो फिक्स्ड स्पीड पे चल रही है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, डिस्टेंस और ये लाइन बना के करने वाला जो मेथड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मतलब तुरंत दिख जाता है करना क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन कार एंड स्कूटर, ये दोनों ओके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ चल रहे होंगे। देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि इनके बीच का कुछ सेपरेशन है डी इनिशियली, है ना। अब कुछ टाइम टी के बाद इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, तो कुछ टाइम टी के बाद ये यहाँ आ जाएगा, मतलब बाइक ने कुछ दूरी कवर कर ली और वो हो गई 40 टी, तो बाइक तो यहाँ पहुँच गई। और कार कहाँ पहुँच जाएगी, तो देखो कार ने यहाँ से कुछ दूरी कवर की और इस दूरी को हम लिखेंगे डी डैश इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका जो नया सेपरेशन है वो क्या होगा, तो देखो न्यू सेपरेशन तो डी तो था ही था, उसमें 40 टी ऐड हो गया क्योंकि वो आगे निकल गया, और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो क्योंकि वो पीछे से आगे आ गया, है ना। ये था इतना बाइक आगे गई और इतना कार आगे आई, तो कार के आगे आने से डिस्टेंस कम हो रहा है इसलिए माइनस साइन, बाइक के आगे जाने से डिस्टेंस बढ़ रहा है इसलिए प्लस साइन। तो ये हमारा सेपरेशन है, यहाँ पे इनिशियल स्पीड इसकी 0 दे रखी है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं डी प्लस 40 टी माइनस एक्सेलरेशन हमें 4 दिया है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2t² हो जाएगा। ये है सेपरेशन एस। और जब कभी भी हमें सेपरेशन या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है तो वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, तो ये बन जाएगा 40 माइनस 4t, और उसको कर देंगे 0 के इक्वल तो t आ जाएगा 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड पे इनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो जाएगा, इट इज़ डी प्लस 40 × 10 माइनस हाफ 4 × 10 का स्क्वायर, तो इट विल बी डी प्लस 400 माइनस 200, दैट इज डी प्लस 200। ये इनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन हो सकता है डी प्लस 200, मतलब डी तो था ही था, 200 और इनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा, फिर वो कम होने लग जाएगा सेपरेशन। तो दैट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन बिटवीन कार एंड द स्कूटर। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को ये सभी इलस्ट्रेशंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और आज का ये रिएक्शन टाइम वाला कॉन्सेप्ट भी सबको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको बहुत अच्छा लगा है या थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हमें बहुत मज़ा आए और आपके लिए हम ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस बनाते रहें। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।